नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे आपको भी ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिला दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट बात करें दोस्तों आपको बता हुआ ई श्रम कार्ड का जो पैसा है काफी लोगों को मिल चुका है बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है देखिए आपको बता हुआ एक बार एक हजार रुपया सरकार की तरफ से आया था और दो बार पाँच पाँच सौ रुपये आए थे यहाँ पर काफ़ी ई श्रम कार्ड धारक हैं जिनको अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला है तो आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीट दिखाने वाले हैं कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है किस प्रकार की गलती के कारण आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे दोस्तों काफी लोगों का डाउट कंफ्यूजन ये है आपको बताओ कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक कैसमेस आया था कि ई श्रम कार्ड में अपना वर्तमान पता अपडेट करवाएं इस प्रकार तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना वर्तमान पता अपडेट नहीं करवाया तो उनका यहाँ पे कमेंट एक लोगों का भाई का कमेंट आया कि मैंने अपडेट नहीं करवाया या इसीलिए मुझे पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आपने वर्तमान पता अपडेट नहीं कराया क्या इसी के कारण आपको पैसा नहीं मिला है या फिर वर्तमान पता सरकार क्यों अपडेट करवा रही है यहाँ पर या फिर आपको किस गलती के कारण पैसा नहीं मिला सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जिससे सब्सक्राइब कर लें साथ में वीडियो को भी लाइक कर क्योंकि तुम्हारा भाई दोस्तों यहाँ पे जन वीडियो लाता रहता है अब आपको चलिए डिटेल में समझाते हैं सब कुछ चेक करने के बाद ठीक है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल की किसी गूगल ऐप में चले आना है और यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना है ई शर्म सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा ई इसी पर क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों आप ई डॉट जी ओ पी डॉट इन के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे उसके बाद थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पर आपको दोस्तों काफी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट इस पर क्लिक करना है काफ़ी लोगों को पता भी होगा इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट पेज फिर से खुल के आ जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाता है यहाँ पर आपको यून नंबर मांगने को कहा जाएगा बट यहाँ पर हमको थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मतलब मांगा जाएगा मोबाइल नंबर दे देना है उसके बाद इस कैप्चे को देख करो इस बॉक्स में देना है उसके बाद सेंड ओ पे दोस्तों क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाते हैं यहाँ पर आपको ओ को डाल लेना है आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाता है यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है आधार नंबर देने के बाद नीचे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट प्रिंट आयस ओ टी पी का अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस में यहाँ पे कैप्चर डाल कर कपच्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करके उठा करके फॉर्म खोल सकते हो या तो ओ टी पी पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे पहले आधार नंबर दे देना है फिर यहाँ पे कैप्चर डाल के सबमिट करना है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर ओ तो टी पी आएगा ओ टी पी को डालकर फिर आपको बिल डिट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर्म खोल जाएगा चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ओ टी पी डाल आपको फॉर्म खोल कर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रकार पेज खुल के आ जाता है जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस इसमें जो भी अवेलेबल होगी वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी नीचे के लिए कॉल करना पड़ेगा उस करने के बाद यहाँ पर आपको एंड कंडीशन को एग्री करना है ऊपर वाले पे उस पर कैप्चर ई के वाई सी पे क्लिक करना है जैसे अपडेट ए के वाई सी पे क्लिक करोगे आपके के भी दोस्तों हो जाएगी के वाई सी बहुत चीज होती है मान लो आपने पहले ही श्रम कार्ड बनवाया और बाद में आधार कार्ड में कोई भी चीज़ करा लेते हो इसके बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है तो आपको एक के वाई सी करनी पड़ेगी जो भी आपके आधार कार्ड में मौजूदा डिटेल होगी वो आपके ई श्रम कार्ड भी अपडेट हो जाती है चलिए यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा अपडेट प्रोफाइल पर दोस्तों क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पहले एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं ई श्रम जो भी वर्तमान पता के बारे में समझाते हैं तो यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करोगे येस करना है येस करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है पूरा भर के आया था जो मैंने यहाँ पे डिटेल को हाइड कर लिया है देखिए दोस्तों एड्रेस क्यों सरकार अपडेट करवा रही है या जो भी वर्तमान पता अपडेट करवाएं देखिए दोस्तों एड्रेस इसलिए सरकार अपडेट करवा रही है वर्तमान पता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं समझा देते हैं मान लो आप स्टेट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपने कहीं और चले गए रहने के लिए या फिर कहीं और चले गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने जगह चेंज कर दी तो वहाँ पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ के आपके डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गाँव शहर में चले गए हो तो इसलिए आप सर वर्तमान तक अपडेट करवा सकते हो बाँ का डलवा सकते हो तो यही एक तरीका है और काफ़ी लोगों का उप, मतलब वहीं रहते हैं तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है और इसमें रही पैसे वाली बात तो इसमें पैसे वाली कोई भी दिक्कत नहीं है मैसेज सिर्फ इसलिए दिया गया था सब पे मैसेज आया था लोगों ने अपडेट सिर्फ उन्हीं ने करवाया जो मतलब किए थे या फिर कोई भी ग्लबले तो अपडेट कर सकते हो और इससे पैसे वाली कोई लेन नहीं है पैसा सभी का आया था जिनका सबको सही था तो इसमें जिन्होंने किया उनका भी पैसा आया जिन्होंने नहीं किया उनका भी पैसा आया तो समझ गए होंगे आप तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने नहीं किया तो सभी नहीं आया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे आपको कर, कर सकते हो अगर आपने कोई चीज गड़बड़ है तो उसके बाद बैंक पे क्लिक करना है यहाँ पे क्या क्या, -क्या चीज गड़बड़ हो सकती है पैसा नहीं मिला देखिए दोस्तों सबसे पहले होता है अकाउंट नंबर जैसे बैंक डिटेल्स पे क्लिक करोगे ऐसा करना है येस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको खाता नंबर को मैच कर लेना है देखिए दोस्तों तो कुछ लोगों ने ही श्रम कार्ड दूसरे जगह बनवाया या अपने आप बनाया कुछ खाते में मिस्टेक हो गई या फिर खाता नंबर सही पड़ गया आई पैस सी कोड एक से दूसरी ब्रांच का पड़ गया इसमें भी पैसा नहीं है मैं कई बार लोगों का चेक करके देख चुका हूँ तो किसी का खाता नंबर गलत निकला है फिर एस बी आई बैंक का जो भी है खाता है दूसरी ब्रांच का मतलब आई पस सी कोड पर गया तो इसीलिए पैसा नहीं मिला एक एक गलती दूसरी गलती के लोगों ने आधार कार्ड में एड्रेस दिया निकला लिया उन्होंने के वाय से नहीं करवाई तो इसीलिए भी पैसा नहीं मिला तो इसी प्रकार से दो तीन गलती Are, जो पैसा लोगों को नहीं मिला है तो अगर आपको पैसा नहीं मिला था तो यहां पर आपको तो चेक कर सकते हो गलती का सुधार कर सकते हो को कोई भी प्रॉब्लम एक बार चेक करके देख लें कोई गड़बड़ तो सही कर लें भविष्य में अगर कभी सरकार पैसा डालती है तो आपको मिला नहीं तो आगे आने वाले समय में सरकार पैसा डालेगी वो आपको मिल जाएगा अगर आप सही नहीं करोगे तो ये भी पैसा नहीं मिला ना तो आपको आगे वाले पैसा मिलेगा तो आशा करता हूँ अब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको दो हजार जो लोग थे उन्हें मिल गया है ये सरकार का बजट था आगे जब भी कभी पैसा आता है मैं आपको वीडियो सुना के बता दूंगा बट आप सही जरूर कर लें कभी भी सरकार मतलब कोई भी पैसा देती है वो आपको मिल जाएगा जब आप सही कर लेंगे अगर पैसा नहीं मिला था तो आप एक बार जरूर चेक करके देख ले दोस्तों दिसंबर से जो भी पहले कार्ड बने थे उन्हीं का आया था और जिनके बाद में बने थे उनका पैसा नहीं आया था तो अगर आपने भी पैसा पहले कार्ड बनाया था और पैसा नहीं आया तो जरूर चेक करके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो उसे सही करवा लें और कभी भी पैसा डाला जाता है तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक हज़ार रुपये क्यों नहीं मिला या फिर वर्तमान सरकार क्यों अपडेट करवाई है इससे क्या लेन देन है और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हो तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जानते हैं थैंक यू सो मच